स्मार्ट सैनिटरी पैड नैपकिन है, तो इसका हम डेमो करेंगे मार्केट के सबसे लीडिंग ब्रांड के साथ, जहां हमें ये अंडरस्टैंड होगा कि हमारे घर में जो फीमेल्स है वो क्या यूज़ कर रहे हैं और क्या उनको यूज़ करना चाहिए। तो इस टाइम हमारे सामने पहले मार्केट का ब्रांड है, जो सबसे कलर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा ब्रांड है मार्केट का। इससे बड़ा ब्रांड खासकर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सेकंड, जो इस टाइम मेरे हाथ में उस ब्रांड का पैकेट है, इससे महंगा पैकेट इंडिया में कोई भी नहीं आता। ये 80 रुपीज़ के 8 पीसेस आते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव ब्रांड एंड बिग ब्रांड प्रोडक्ट, जो लास्ट चॉइस है हमारे घर की फीमेल्स के लिए। दूसरा, हमारे पास फोहोवे का स्मार्ट सैनिटरी पैड नैपकिन आता है, जिसमें हमारे पास नाइट यूज़ है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। दूसरा हमारे पास है डे यूज, जिसे हम कह सकते हैं लार्ज। और तीसरा हमारे पास आता है पैंटी लाइनर, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हर एक फीमेल के लिए। ये बहुत ही स्मॉल साइज में होता है, जो रिमेनिंग 28 डेज होते हैं फीमेल के, वो हमेशा अपनी पैंटीज में पर डे इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनका लिक्योरिया का, वाइट डिस्चार्ज, बैक पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें पहले महीने से ठीक होगा बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिप, जिसमें एक्टिव ऑक्सीजन, नेगेटिव आयन, फार इंफ्रारेड, मैग्नेट एंड नैनो सिल्वर है। जो 5 चीज़ें हम यहाँ पे आपको ये दिखा और बता रहे हैं, हमारे से ज़्यादा आप अपने गूगल बाबा से पूछिएगा कि ये 5 चीज़ें बॉडी पे कितना ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारा सिंपली एक लार्ज साइज लेने से पहले हम मार्केट के ब्रांड की बात करते हैं। तो अगर हमने इसको टियर अप करा तो क्या ये वापस क्लोज होगा, तो ये वापस क्लोज नहीं होगा। तो रिमेनिंग पीसेस किसी कोने में पूरा महीना रहेगा, तो इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन जाएगा। और इसमें से हम एक पीस इस तरीके से रिमूव करते हैं, सो हम इसको वापस बंद नहीं कर सकते। और मटेरियल किस चीज़ का बना है, पॉलीथीन का, जो कि टेक्निकली बैन है। तो हमने इसमें से ये एक पीस निकाला। इसी तरीके से हम इसमें भी अगर देखेंगे, फर्स्ट ये रिसाइकल पेपर से पैकिंग बनी है, पॉलीथीन से नहीं बनी है। हम इसको ये यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये इसमें फूड ग्रेड गम लगा है, जो खाने च्यूइंग गम वगैरह में भी फूड ग्रेड वाला होता है। इसमें भी हम ये एक पीस रिमूव करेंगे और ये भी हम यहाँ पे रखेंगे और इसको हम वापस बंद कर सकते हैं, तो ये घर में भी सेफ है। सेकेंड, जो वर्किंग फीमेल्स है वो वर्किंग फीमेल्स इस तरह के 4-5 पीस अपने कैरी बैग में रखते हैं, उनको लगता है कि ये कवर है तो ये सेफ है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें, जब वो बैग में रखते हैं तो सर्वे देखा गया है कि फीमेल बैग को खरीदने से लेके फेंकने तक उसको धोती नहीं है, सब कुछ उसी में होता है। तो इट मीन्स जब सब बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन में है तो वो इसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है। लेकिन इस पैड का जब तक ये सील नहीं उठेगा तब तक इसमें ईयर भी पास नहीं होगा, सो दिस इज मोर सेफ। अब हम क्या करते हैं, इस मार्केट के बैग पैड को ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके बैक में जो ये गम लगा है, इसको हम बोलते हैं केमिकलाइज्ड गम, जो कपड़ों से बहुत जल्दी नहीं उठता है। तो इस पैड को हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा आ गया मार्केट का ब्रांड। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से इस सील को, जैसे मैंने कहा जब ये हम उठाएंगे, अभी भी ये बंद है, तब जाकर एयर पास होगा। तो इसमें भी जब हम ये बैक लेयर का उठाएंगे यहाँ से, तो इसमें भी गम है नो डाउट, लेकिन इसको हम कहते हैं फूड ग्रेड गम, जो एक वॉश से क्लॉथ से उठता है। इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और इसमें एक डिफरेंस आपको एक और दिखेगी, ये सिंगल विंग में है, ये डबल विंग में है। तो डबल विंग में एक कॉन्फिडेंस रहता है फीमेल को यूज करते समय इस तरह के पैड का, दिस इज कॉल्ड डबल विंग। अब हमारे पास मार्केट का भी पैड है, हमारे पास फोहोवे का भी स्मार्ट सैनिटरी पैड है। क्योंकि हम इस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं ये एक एक्ट खुद करता हूँ, हम इस तरह से हर किसी को बोलते हैं प्रोडक्ट का फील लेने के लिए। तो थोड़ा डिफरेंस यहीं पे समझ आता है कि ये रफ फील देता है, ये सॉफ्ट फील देता है। लेकिन क्या इसके आगे भी कुछ समझने के लिए हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ग्लास है,
हम इसमें ये पानी डालते हैं और ये हमारे पास सिरिंज है अराउंड 50 टू 60 एमएल का, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से ये उठाते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास अराउंड 60 एमएल का वाटर है और हम पहले मार्केट के प्रोडक्ट के ऊपर इसको डाल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो हेल्थ है WHO, उनका मानना है कि एक फीमेल का जो पीरियड्स का साइकिल में फ्लो रहता है वो 25 से 50 एमएल कम से कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे हो सकता है। तो हमने फिलहाल कितना एमएल यूज़ किया, 60। अब हम फिर से यहाँ पे 60 एमएल लेंगे, 60 एमएल लिया हमने फिर से, और ये 60 एमएल हम इस पे ड्रॉप करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोहोवे स्मार्ट सैनिटरी पैड नैपकिन। सो शायद रिकॉर्डिंग में कितना क्लियरिटी आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसने बहुत ज्यादा फास्ट एब्जॉर्ब किया है इस पूरे लिक्विड को। लेकिन फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे ये टिश्यू लेते हैं जो कि बहुत ही जल्दी मॉइस्चर तक भी सोख कर लेता है। तो एक टिश्यू को हम इस पे रखते हैं और एक टिश्यू को हम इस पे रखते हैं। तो अब हम इसको हल्का सा ऐसे सिर्फ प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा गीला हो गया। और अगर हम इसको मारेंगे भी तो इसके बाद भी आप देखेंगे तो ये प्योरली सूखा है और ये कट गया। यानी फर्स्ट यूज के ऊपर फीमेल का वेटनेस, गीलापन और इरिटेशन खत्म इस ब्रांड को चेंज करने के ऊपर। लेकिन हम अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि फर्दर, क्योंकि एड पे दिखाते हैं कि ये मार्केट का पैड जो है समंदर भी सुखा देता है, स्विमिंग पूल सुखा देता है। तो हम 60 एमएल और लेते हैं और हम इस पे ये ड्रॉप करते हैं। तो अगर मैं अभी, मैंने हाफ सीरीज मेरे पास है, लेकिन ये सारा ओवरफ्लो स्टार्ट होने लगा और इसके बाद मार्केट में इंडिया में कोई चॉइस ही नहीं है, ना ब्रांड की, ना साइज की, ना क्वालिटी की। अब जितना भी मैं पानी डाल रहा हूँ ये पूरा पेपर पे निकल के आ रहा है। तो यानी इसका एब्जॉर्प्शन लेवल फिनिश। अब हम इस पे करते हैं फिर से, हमने शायद 60 ml से भी ज्यादा लिया, तो ये हम अब इस ब्रांड पे यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी कितना फास्ट एब्जॉर्ब हो रहा है इसमें, फिनिश। तो टेक्निकली हमने यहाँ पे 120 ml डाला, यहाँ पे हमने 120 ml यूज करा, यहाँ तो सारा पानी इस टाइम हमारे पास बाहर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा उठाऊं तो ये सारा पानी बाहर टपक के आ जाएगा, और देखने के लिए हम सिर्फ ऐसे भी रखेंगे तो ये आप हालात देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा गीला है। और अगर हम यही एक टिश्यू इस 120 ml पे दोबारा से डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं इट इज स्टिल ड्राई, अगर ड्राई नहीं होता तो ऐसे कटता। सो ये है पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें लेयर्स क्या मिलती है हमारे पास। ये मार्केट का प्रोडक्ट है जो इतना रिसर्च पहले कभी नहीं देखा होगा किसी ने। ये इसकी फर्स्ट लेयर है जिसमें ये पानी टपक रहा है और ये लगता है ये कॉटन है, लेकिन इस हिसाब से शायद ये कॉटन नहीं है, इट सीम्स प्लास्टिक, लेकिन ये प्लास्टिक भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये जो फर्स्ट लेयर लगाते हैं, इस लेयर को बोलते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का मतलब होता है देसी भाषा में सीमेंट की चादर। और ये इसलिए इसको पहली लेयर रखते हैं क्योंकि इस एस्बेस्टस की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर इस पे गर्म चीज़ पड़ेगी तो ये हीट जनरेट करेगा, और अगर इस पे ठंडी चीज़ पड़ेगी तो ये सर्दी रखेगा, लेकिन ब्लड इस पे गर्म ही पड़ना है तो ये हीट जनरेट करेगा। जब ये हीट जनरेट करेगा तो एक फीमेल का पीरियड्स का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से कम उम्र में उसकी हार्मोनल इंबैलेंस हो जाती है और अदर अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन इन जैसे ब्रांड्स का सेल बढ़ता है फ्लो की वजह से। ये इसका फर्स्ट लेयर हो गया। सेकंड लेयर अगर हम इसका देखेंगे तो जिसको ये बोलते हैं हमारा ब्लू जेल टेक्नोलॉजी है, ये कुछ नहीं है, रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर है जिसमें केमिकलाइज्ड ब्लू कलर ऐड किया गया है, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज लेयर नंबर टू। लेयर नंबर थ्री जिसको ये बोलते हैं समंदर भी, स्विमिंग पूल भी सुखा देगा, दिस इज नथिंग बट
जस्ट लाइक ए थर्मोकोल, जो मार्केट में थर्मोकोल हम खरीदते हैं वो है ये। और इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी है हम इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने इक्वल भी नहीं, इसमें कम और इसमें हमने ज्यादा पानी लिया है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इस वाले में कम है, इस वाले में ज्यादा है, तो ज्यादा वाला हम यहाँ रखते हैं, कम वाला यहाँ रखते हैं, और इसमें ये डालते हैं शायद कुछ और भी एब्जॉर्ब कर सके। ये थी हमारी थर्ड लेयर। इसके बाद हम देखेंगे इस मार्केट के ब्रांड की फोर्थ लेयर, जो कि प्योर, और प्योर क्या है, पॉलिथीन। जब ये पॉलिथीन है तो क्या इसमें एयर वेंटिलेट होगा, नहीं होगा। तो अंदर जो ब्लड है, दैट इज नॉट ब्लड, दैट इज बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन पास ना होने की वजह से मिलियंस और बिलियंस में मल्टीपल होता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस तरह का पैड ज्यादा टाइम फीमेल लगा के रखेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाते हैं डायऑक्सिन और फिरॉन में, और उन दोनों में से कोई भी चीज अगर फीमेल की बॉडी में वापस चली गई तो साइंस के हिसाब से वो 20 साल तक बच्चा पैदा नहीं कर सकती, कंसीव नहीं कर सकती, लेकिन मार्केट में तब भी ये बहुत जोरों शोर से बिक रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्मार्ट सैनिटरी पैड के लेयर्स के बारे में। तो इसको भी हम सेम वे कट करेंगे। अब हम इसकी लेयर चेक करते हैं। इसमें थोड़ी सी हमें तकलीफ होगी क्योंकि मैंने इसको बहुत हार्ड दबाया, तो हम इसको एक एक लेयर, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, जबकि सब कुछ इसी पे डाला था, बट ये रिकॉर्डिंग है तो मैं बोल नहीं सकता, बट इट इज कम्प्लीटली ड्राई, वरना ये ऐसे कटता नहीं, आप रुइयां थोड़ा उड़ते हुए दिखेंगे। सो इट इज, ये इसकी टेक्नोलॉजी, यानी ऊपर कुछ है ही नहीं जब इसी पे सब कुछ डाला। सो दिस इज 80% कॉटन 20% सिल्क, ये इसकी फर्स्ट लेयर है। इस प्रोडक्ट की जो पूरी जान है वो है ये स्ट्रिप, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन फार इंफ्रारेड मैग्नेटिक एंड नैनो सिल्वर, 5-in-1 टेक्नोलॉजी से बनी हुई ये स्ट्रिप है। हम क्या बताएंगे, आज सबके पास गूगल बाबा है, तो ये पांचों चीजें एक ह्यूमन बॉडी पे कितना फायदा करती है वो आप अपना गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। बट मैं जो वर्बली आपको बता सकता हूँ वो ये है कि ये फर्स्ट यूज पे, यानी जब फीमेल पहली बार ये स्मार्ट सैनिटरी पैड फोहोवे का यूज करेंगे, तो पहली यूज से जो उनका इरेगुलर साइकिल होगा, पता नहीं कब हो रहा है पीरियड्स, कब खत्म हो रहा है, वो रेगुलेट हो जाएगा। जिनका पीरियड्स से पहले और बाद में लिकेरिया का प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज, वो बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा। जिनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, गुस्सा, मूड स्विंग होता है, वो पहली यूज से क्लियर हो जाएगा। जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है फीमेल्स को, उनको ठीक हो जाएगा। जिनको बैड ऑडोर आता है, स्मेल आता है पीरियड्स में, वो क्लियर हो जाएगा। और जिनका स्किन डैमेज हुआ है प्राइवेट पार्ट का, वो स्किन वापस रिपेयर हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारे फायदे हैं इस स्ट्रिप के, लेकिन मेरे ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि आप खुद इसकी प्रेजेंटेशन या गूगल पे स्टडी कीजिए कि ये प्रोडक्ट कितना फ़ायदा है। और जिनको कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का नाम ढूंढिए कि जो इस तरह के यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर से जूझ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लोकल ब्रांडिंग। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लाइफस्टाइल की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, फिर भी वो एक गायनिक कैंसर में आ गए बिकॉज ऑफ दिस डैम बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन उन लोगों ने भी अब ऐसे वर्थ के प्रोडक्ट्स का वैल्यू समझा है। सो दिस इज लेयर नंबर सेकेंड। लेयर नंबर थर्ड, लेयर नंबर थर्ड जो हमारे पास है, एज यू कैन सी, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने इसको प्रेस बहुत किया है। सो लेयर नंबर थर्ड इज जस्ट ए कॉटन, और ये कॉटन भी कॉटन की तरह ही कट रहा है, जबकि सारा पानी इसी में डला था। ये है टेक्नोलॉजी, आप आवाज भी सुन सकते हैं इसकी। सो दिस इज लेयर नंबर थर्ड। लेयर नंबर फोर्थ इज कॉल्ड एयर लेड पेपर, जो सारा का सारा ब्लड या लिक्विड जो भी होता है वो यहाँ से जाके सारा एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, एंड दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमर। ये केले के छिलकों के अंदर से भी निकलता है और ट्री रूट्स से भी ये निकलता है, जिसमें सबसे सॉलिड एब्जॉर्प्शन की पावर होती है।
तभी जाकर अभी तक ये 120 ml एब्जॉर्ब कर चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या इसके बाद भी इसकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, तो हम इसको यहाँ इस बहुत ज़्यादा पानी में डालेंगे और इसके नीचे फिफ्थ के बाद सिक्स्थ लेयर जो है वो फिर से पानी की ही लेयर है, या सॉरी एयर लेयर पेपर की ही लेयर है, तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। देन वी हैव अ सेवंथ लेयर, ये दिस इज सेवंथ लेयर, इसको भी आप टच करेंगे तो ये भी पूरा सूखा है, यानी इसमें भी कोई भी नीचे जाने का खतरा नहीं है, कपड़े खराब होने का खतरा नहीं है। और इसके बाद जब हम लास्ट लेयर देखेंगे तो लास्ट लेयर में हमारे पास पोर्स है। पोर्स कैसे चेक करेंगे, गर्म पानी का गिलास लेंगे, उसमें एक पूरा पैड रखेंगे और ऊपर से एक गिलास रखेंगे, तो इवापोरेशन वाप इस पैड में दिखेगा। लेकिन मार्केट से बंद करेंगे गिलास को, आधा घंटा भी उबले हुए गिलास में रखेंगे तो कोई भी वाप यानी इवापोरेशन ऊपर नहीं आएगा, यानी ये एयर को वेंटिलेट कर सकता है, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा। तो जहां पर ये पैड 4 दिन में यूज होंगे वो यहां पर एक पैड भी मुश्किल से मैक्सिमम यूज होगा। तो यहां तक हमारा था ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग का डेमो। हमने शायद बहुत पहले से इस पानी में इस प्रोडक्ट को डाला है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वाटर इज स्टिल देयर, करेक्ट। और ये हमने कब डाला, अभी, और इसको अगर हम देखेंगे इट इज ऑल क्लियर। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ स्मार्ट सैनिटरी पैड नैपकिन। तो हम आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बटन वाले फोन चलाना दुनिया में बंद हो चुके हैं और स्मार्टफोन का जमाना आ चुका है और लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसी तरीके से हमारी घर की फीमेल्स को कैंसर जैसी डिजीज से बचाने के लिए मार्केट का सिंपल पैड सैनिटरी पैड यूज करना छोड़ दीजिए और दुनिया में जो स्मार्ट सैनिटरी पैड आ चुके हैं फोहोवे के नाम से, उनको यूज करना शुरू कीजिए। हम हर घर की फीमेल को हेल्दी रखेंगे तो हमारा घर और हमारा नेशन हेल्दी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमो। थैंक यू सो मच।